हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ फिर शेयर करने जा रही हूँ ढोलक की पहली ताल जो मैंने आपको सिखाई थी। बहुत लोगों को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ, यदि आप में सीखने की लगन होगी, यदि आप में लगन है तो मैं आपके साथ मेहनत ज़रूर करूँगी इसको ढोलक को सिखाने में। लेकिन सबसे पहले आपको भी इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ढोलक मैंने इसलिए आप लोगों को सिखाई है सबसे आसान, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने भी इसको सीखा था तब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी काउंटिंग को याद रखने में। कभी कभी काउंटिंग यहाँ से ये वाली काउंटिंग कभी स्लिप हो जाती थी, कभी इधर वाली काउंटिंग। तो इसीलिए ये मेथड मैंने निकाला है जो कि बहुत ही ईजी है, इसको हर एक व्यक्ति बजा सकता है जो कि इसको बजाने की चाहत रखता है। तो आप लोगों को यदि सीखने की थोड़ी सी भी इच्छा और लगन है आपके पास तो बेशक आप इसको डेफिनेटली आप इसको बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और ये जो ढोलक जैसी चीज़ें वो सभी को ही आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी है बजाने में। और म्यूज़िक के माहौल में विदाउट ढोलक उस महफिल का मज़ा ही नहीं होता जहाँ पर ढोलक जैसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना बज रहा हो। तो देखिए, बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है वो उल्टे हाथ की तरफ रहेगा और ये छोटा वाला पोर्शन है ये सीधे हाथ की तरफ रहेगा। और ये पहनने वाली जो रिंग है इसको हमें अंगूठे में इस तरह से पहन लेनी है। और देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अंगूठे में मैंने पहनी हुई ये सिंपल रिंग है, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और आप लोगों के पास भी होगी ये रिंग। देखिए, बहुत आसान है। और इसको बजाने के लिए हमको नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जो छोटा वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसमें हमको इस तरह सेट करना है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। आप काफ़ी टाइम तक, थोड़ी देर तक जब आप इसको बजाते रहेंगे तो आपका हाथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा इसको। और यहाँ ये जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है इसमें दो बार हिट करेंगे हम। देखिए, आप साउंड को बिल्कुल अच्छे से सुनिए, साउंड किस तरह से आ रही है। बस दो बार, टू टाइम्स हमको सिर्फ इसमें हिट करना है। वन वन, नंबरिंग आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी है इसमें। देखिए, अब दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा। ये वाला हाथ कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा ब्रेक देके हुए फिर दो दो बार हम इसको हिट करेंगे ऐसे। ये देखिए, जो बार बार फ्रेंड्स मेरे कंप्लेंट कर रहे हैं हाथ नहीं चल रहा है, हमको हाथ कंटिन्यूशन में सिर्फ ये राइट हैंड चलाना है जो कि इस तरह से चलेगा। इसमें ब्रेक नहीं देना है, इसमें थोड़ा सा ये वाला हाथ थोड़ी देर के लिए रेस्ट में जाएगा, बाकी फिर कंटिन्यू बजेगा। हाथ लगातार नहीं बजते होंगे ढोलक में, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पॉज लेता है एक हाथ और तभी दूसरा हाथ, और ये राइट वाला हैंड कंटिन्यूसली चलता रहता है। देखिए, मैं भी बजाते बजाते आप लोगों को यही बता रही हूँ, इसमें एक बार हिट में यहाँ कर रही हूँ, एक बार हिट यहाँ कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है ढोलक बजाने में, सिर्फ एक बार हिट यहाँ पर ये वाले पोर्शन में और एक बार यहाँ पर। और जब भी आप यहाँ पर हिट करें तो ये वाला इसको भी हिट कर दे साथ में, तो आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। ये देखिए, thank you.
मुझे तो ऐसा कि ये इतनी आसान मैंने आपको ढोलक सिखाई है, इसको देखने वाला खुद ऑटोमेटिकली बजाने की सोचने लगेगा कि इसको बहुत आसान है, इसको बजाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बजाने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, शेयर किया आपके साथ, ये आपको पसंद आए। मैं आपके सामने साथ वही गाना शेयर करने जा रही हूँ। आप इसके साउंड को बहुत ध्यान से सुने, जिसमें आप मेरी आवाज़ को ना सुने, सिर्फ ढोलक के साउंड को सुने। आप इसको देखिए, साउंड किस तरह से बजेगा इस पे। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है इसको बजाना, जिसमें कि दो बार हिट यहाँ करना है, और ये वाला जो राइट हैंड है उसको सिर्फ यहाँ से इस तरह से टैप करते रहना और कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये वाला वीडियो का पार्ट इसी वजह से, इसको थोड़ा सा बड़ी वीडियो इसी वजह से बनाई है ताकि समझने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और यही आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इससे और भी अच्छे से सीख सकेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।